हम लोग आज की मुरली रिवाइज करते हैं। आज रही 18/8/2022 की साकार मुरली। मेरी आवाज सभी को आ रही? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस आवाज आ रही। ओके थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो आज के मीठे बच्चे में बाबा ने कहा, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर, तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना। सर्जन और प्रोफेसर, बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप भी धर्म स्थापन करते और अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर बाबा ने बोला, बाप सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते, बाप अपनी प्रारब्ध नहीं बनाते। अगर बाप भी अपनी प्रारब्ध बनाए तो उन्हें भी कोई पुरुषार्थ कराने वाला चाहिए। बाप कहते, मुझे बादशाही नहीं करनी है, मैं तो बच्चों की फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि बाबा कोई भी कर्म करते नहीं है, करावनहार है, कराते हैं बच्चों के द्वारा, ताकि हमारी प्रारब्ध बने और उनकी, मतलब वो उपराम रहते हैं। गीत में बाबा ने कहा, रात के राही, और आज का धारणा के लिए मुख्य सार था बाबा का, नष्टो मोहा बन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। नष्टो मोहा बन, एक बाप से ही अपना बुद्धि योग रखना है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। तो नष्टो मोहा और देही अभिमानी स्थिति में रिलेशन है। अगर देह अभिमान में है तो मोह भी होगा, और अगर देही अभिमानी रहे तो ही नष्टो मोहा बनकर बाप की याद में रहने की धारणा को धारण कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दूसरा पॉइंट बाबा ने बोला, मन वचन कर्म से, बहुत अनोखा पॉइंट था ये, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है, मुख से हरेक को ज्ञान के दो वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है, शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। आज हम ये जो बाबा ने मुख से हर एक को ज्ञान के दो वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है, इसके ऊपर क्लास में थोड़ी क्लैरिटी लाएंगे। बाबा ने वरदान दिया, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रहे वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे बाप को इतना बड़ा परिवार है फिर भी बेफिक्र बादशाह है, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, सब कुछ जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, ऐसे फॉलो फादर करो, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़े, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप मास्टर रचयिता हो, रचता का रचना के ऊपर प्रभाव हो। बाबा कहते, कोई भी बात आए तो याद करो कि मैं विजयी आत्मा हूं, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। स्लोगन दिया बाबा ने, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो, मतलब प्रसन्नचित है, प्रसन्नता की छाया में है तो शीतलता ऑटोमेटिकली है। कितनी अच्छी बात है, विधि में है कि अगर हम प्रसन्नता के लिए एम कर रहे हैं तो शीतलता ऑटोमेटिकली आ जाएगी। शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे, तो और अगर हम शीतल हैं तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। अच्छा, तो आज की क्लास शुरू करने के पहले हम लास्ट क्लास के ऊपर थोड़ा फीडबैक लेंगे। आप लोगों को जो पिछली बार क्लास में बताया था, जो दो तीन बातें सहज याद की, वो प्रैक्टिकल में लाए क्या? कोई लाए तो कैसा रहा, क्या रिजल्ट रहा, कोई बताना चाहेगा? ओम शांति।
हाँ जी ओम शांति संदीप भाई बताइए। नहीं मुझे तो मतलब वही रियलाइज हुआ कि पहले वाले स्टेप पे ही काम करने की जरूरत लग रही है कि मौन को कितना एंजॉय कर रहे हैं या शांति को कितना एंजॉय कर रहे हैं या क्या वो जब तक वो मजा नहीं लिया होगा तो फिर वो सेकंड वाले में जैसे हलचल होगी भी या कुछ होगा तो वो वापस से आने का जो पुरुषार्थ रहेगा या जो ईगरनेस रहेगी कि वापस से मुझे शांति चाहिए, मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, तो मुझे लग रहा है कि मैं उस पर ही काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, लेकिन उसके लिए भी क्या कर रहे हो, क्योंकि वो भी तो सहज याद हुई ना। हाँ याद इन द सेंस लाइक अभी तो मैं मतलब जैसे मॉर्निंग में ही थोड़ा सा पुरुषार्थ कर रहा हूँ कि मतलब कोई ज्ञान व्यान का पॉइंट नहीं ले रहा हूँ, जस्ट एक शांति में बैठ के ही मतलब बैठने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तरह से आप ये सोचो कि या तो साक्षी वाला या फिर या कुछ माइंडफुलनेस, मतलब मैं उस चीज को लाने की कोशिश कर रहा हूँ यदि मतलब इज दिस स्टेप करेक्ट और नॉट, बट मुझे वो लग रहा है कि वो उसमें मुझे मजा आना चाहिए कि मैं देख पा रहा हूँ कि अपने मेरे थॉट्स क्या चल रहे हैं या फिर मैं कभी माइंडफुलनेस में कि इवन सांसें कैसे चल रही हैं या कोई कोई आवाजें आवाजें आ रही हैं तो मैं उसको उसको यदि अवेयरनेस रख रहा हूँ, रख पा रहा हूँ कि नहीं रख पा रहा हूँ, मैं उस चीज पे लग रहा है कि मुझे काम कर रहा हूँ मैं, इज इट करेक्ट? बिकॉज थोड़ा सा मुझे उसमें थोड़ा ठीक लगने लगा है कि थोड़ा सा मुझे साइलेंस या उसका एक अनुभूति सी हो रही है ऐसा, क्योंकि अभी अभी तक मेरा ये होता था कि मैं ज्ञान के पॉइंट्स कोई रिवीजन रिवीजन में रहता था तो वो समहाउ मेरे को उतना इंपैक्ट नहीं कर रही थी, तो दैट वे आई एम जस्ट डन दिस चेंज। कुछ टाइम में देखना चाहूंगा कि क्या होता है उससे। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अभी हम इसको भी क्लैरिफाई करेंगे कि तो शायद ठीक है ओके ओके ओके। और कौन रहेगा? ओम शांति दीदी। ओम शांति सोनम मैम। दीदी मतलब जो मैंने शेयर किया था अमृत बेला नहीं हो रहा है तो वो तो मैंने अब सब कुछ वहीं छोड़ दिया उस दिन के बाद में, तो मैंने क्या है कि गो विद द विंड, मतलब जहां मेरे को हवाएं लेकर जा रही हैं वहां मैं बस अपनी खुशी में खुश होकर बस बाबा को याद करके साथ में लेके जाती जा रही हूँ। तो अभी क्या है ना, मैंने अपने हस्बैंड का भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। अच्छा। तो, हाँ हाँ तो घर मतलब जो मेरा पुराना पुराना जो मेरा था ना, मुझे खुशी मिलती थी उस चीज में ना, तो मैं उसमें ही बस बाबा की याद लगा के कस्टमर से बात कर रही हूँ, डीलिंग कर रही हूँ, ये मैंने खुशी में लाने के लिए, संतुष्टता में लाने के लिए इसको थोड़ा सा अपनाया है। बाकी सेंटर वाला जो पार्ट है वहां पर भी नवीनताएं जो चल रही हैं, बाबा जो डे बाय डे करवा रहा है वो भी दीदी चल रही है, तो मैं गो विद द विंड, अपनी मस्ती में मस्त, बस मुझे खुश रहना है अपने आप में, कोई गम में नहीं जाना है, क्योंकि हो सकता है शायद पिछले साल की टैक्टिक इस बाबा ने मेरे लिए कोई और स्ट्रेटेजी रखी, तो मैं गो विद द विंड ने बोला था ना। ओम शांति दीदी। ओके ओम शांति। और बताइए और कोई बताना चाहेगा? ओम शांति। ओम शांति श्वेता बहन। इवन आई एम डूइंग द सेम सिमिलर टू सोनम बहन। मैं पहले क्या करती थी, लाइक व्हेनेवर आई अमृत वेला ठीक से नहीं हुआ, ओके आई वाज अनेबल टू रीड द मोटली मॉर्निंग इटसेल्फ, सो मैं इंस्टेड ऑफ रिमेम्बरिंग बाबा ये चर्न करती थी, देखो ये नहीं हुआ, ये वो, ये नहीं हुआ, आई यूज्ड टू कंप्लेन। So after your class, I started observing, okay, abhi nahi hua na, now you start. So if I don't get time to read entire moodly, mobile leke ek line hi padhti hu main. And I will think like, ye kaisa hota hai. I'll try to recall that, at least I'll keep that in mind. Aadha ghante tak, 1 hour tak. So may sometimes like most of the times, zyada der tak nahi rakh sakte. After like, if I would have forgot, आधा घंटे में रिकॉल करने का भूल गए तो देन आफ्टर हाफ एन आवर आई रिकॉल, देखो ये है करके, देन आई रेड दिस पॉइंट सो आई एम एबल टू रिकॉल दिस, देखो और एक बार जाके देख लो। सो बेबी स्टेप्स लेके आई एम फीलिंग मोर डिफरेंट एक्चुअली, अभी लाइक आई कैन सी द डिफरेंस। पहले मैं जब कंप्लेंट करती थी तब कुछ नहीं होता था, इन द सेंस लाइक बिगाड़ रहा था, now at least I can see the little progress, abhi nahi hua, okay so what, so go ahead next, remember abhi time hai, so I started that, I can see the difference, abhi thoda connection bhi theek lagta hai and I can connect to baba quickly also. Om shanti didi.
हाँ जी ओम शांति कुंती बहन। हाँ दीदी, इससे ना बहुत टाइम वेस्ट होने से बचता है। जैसे कुछ हो गया तो नहीं कर पाए तो फिर यह लगता है अच्छा छोड़ो, अब ये बाबा को याद करते हैं, तो वो जो ब्रूडिंग ओवर था वो बंद हुआ है, उससे टाइम का वेस्ट होना बंद हुआ है, एनर्जी कंजर्व होती है, आप उसे कंस्ट्रक्टिवली काम में लगा सकते हैं। फुल स्टॉप लगाना आप इसे कह सकते हैं कि अच्छा जो हुआ छोड़ दिया, लिमिट, लेट गो ओके करो, आगे बढ़ो। ओके सर्टेनली इट वर्क्स, इट वर्क्स वेरी गुड। ओम शांति दीदी। हाँ जी ओम शांति। दीदी इससे एक सहजता आई है, मतलब निरंतर बाबा को याद करने का एक जैसे कि एक की मिलता है, मिल रहा है, और जैसे कि बुद्धि बहुत हल्की, हल्का बुद्धि में एकदम हल्कापन और एक उमंग सा महसूस हो रहा है, जैसे कि इस घड़ी को, इस घड़ी का सिग्निफिकेंस जो है उसको फील कर सकते हैं, इस मिनट का पावर को फील कर पा रहे हैं, और बुद्धि बहुत 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 लाइक एकदम चुस्त है, बुद्धि है एकदम वेरी अलर्ट, और इट फील्स कि इट इज सो रिजनरेटेड, बाबा को, बाबा में कितना जैसे कि एक स्प्रिंग सा महसूस हो रहा है, तो बहुत लाइट। हाँ करंट जी दीदी। आता है। हाँ करंट सा जैसे महसूस होता है, और ऐसा लगता है ये भी, ये तो मुरली सुनते हुए भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि इतनी सारी बातें आज बताई, मतलब कितना सारा 70-80 पॉइंट्स मिल गए, ऐसा लगा जैसे कि वाह, एक-एक पॉइंट में एक-एक नवीनता नजर आ रही थी, सो वो बहुत एक नया देखने का नजरिया बदला दे। जितना बहन आपका बॉस वाला अनुभव भी बताइए ना जो आप मुझे। हाँ, एक्चुअली एक मेरा ना एक बहुत मेरे अंदर एक बहुत फियर फैक्टर था अपने बॉस को लेकर, और मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता था जैसे कि ना उसको मेरे प्रति एक बहुत डीप जैसे कि कुछ घृणा भाव है विच ही ट्राइज टू टेक आउट, और जब मैं ये अनुभव इसी में थी कि मुझे बाबा को याद करना है, मुझे बाबा को याद करना है, तो वो आत्मा बोले जा रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं आई वॉज नॉट फीलिंग इट एट ऑल, उसका उस आत्मा का बोलना और निकल रहा है उसके अंदर से, लेकिन मेरे उसके प्रति कोई एकदम स्थिरता थी, और मैं आई वाज एंजॉयिंग बाबास याद, सो दिस वाज टोटली डिफरेंट फॉर मी, बिकॉज आज दिन तक मैं हमेशा उससे डरती थी, और मैं जो कोई मेरे प्रति इतना घृणा भावना रख सकता है सोच के आई आई वुड गो इन टू वेरी डीप सैडनेस, लेकिन आज इस बार क्या हुआ कि आई वॉज टोटली अनअफेक्टेड, बोल दिया वो चली गई, एंड आई वॉज फीलिंग कि ओके लेटर उसका उसका खाता खत्म हो गया बोलने का, एंड आई वॉज लाइक मेरा अकाउंट क्लियर हो गया, सो आई वॉज टोटली अनअफेक्टेड, सो बहुत ब्यूटिफुल जर्नी जा रही है, आई एम एंजॉयिंग इट। ओके और कोई बताना चाहेगा जो इसको प्रैक्टिस कर रहा है सहज याद, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओके सुचित्रा बहन ने एक्चुअली एक लाइन मुझे कही थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैं रिपीट करूंगी, सुचित्रा बहन भूल गए लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। सुचित्रा बहन ने कहा था कि सुचित्रा बहन ने बाबा को कहा कि बाबा आप इनकी बातें सुनो, मैं आपको याद करती हूँ, मतलब मैं आपको याद करूंगी, और ये जो बोल रही है वो और इनको क्या कहना है वो आपको कहना है और आपको सुनना है, मैं आपको याद कर रही हूँ। मुझे नहीं पता उस समय सुचित्रा बहन बाबा के बारे में क्या याद कर रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि इतना हल्का रहा कि ना मैंने सुना ना मैंने कुछ बोला, कुछ भी नहीं हुआ, और मतलब बाबा ने सब कुछ सुन लिया और उनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आया, कि उस बात का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जिससे कि हम रोज स्ट्रगल करते रहते हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा को यूज करने की युक्तियां कितनी सारी हमारे पास में आ जाती है, जैसे द मोमेंट वी थिंक दैट मेरे पास एक ही काम है कि मुझे बाबा को याद करना है, दूसरा कोई संकल्प नहीं आना चाहिए। तो थैंक यू, और कोई बताना चाहेगा? तो हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके तो आज की क्लास, मानसी बहन आप कुछ कर रहे हो ट्राई? हाँ दीदी मैं कर रही हूँ, डेफिनेटली जो सबके अनुभव है वो मेरा भी है कि टाइम वेस्ट होने से बच रहा है, बट मैं साइलेंस का अनुभव नहीं कर पा रही थी, हाँ तो उसके लिए मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ,
बट जब भी मैं स्ट्रगल मोड में आती हूँ तो अगेन आई स्टार्ट रीडिंग सम बुक्स और बाबाज मुरली, बट वो मुझे अंदर से एक असंतुष्टता वाला है कि मुझे मैं जिस एटमॉस्फेयर में वहां पे आई एम नॉट डेडिकेटिंग द टाइम एंड अलोन स्पेस के लिए साइलेंस का अनुभव करूं। साइलेंस का अनुभव नहीं भी कर पा रहे हो तभी भी सहज याद रह रही है या नहीं रह रही है? नहीं, इतना इजी नहीं है। हाँ तो क्यों नहीं है, मतलब क्या कर रहे हो आप? ऑफिस का सोचना रहता है, मतलब क्या चल रहा है जिसके कारण आप बाबा को सिंपल वे में याद नहीं कर पा रहे? एक्चुअली बहुत सारी चीजें चल रही है, मेबी आई कैन टॉक ओवर कॉल टू यू। ठीक है, ओके ओके, चलिए ठीक है। तो आज की क्लास हम जो करेंगे उसमें जब हम लोगों ने एक स्थिति बना ली है, मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने बाबा को याद कर करके एक स्थिति बनाई है, एक हल्कापन बनाया है, पहले हम उस पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरते हैं। तो सबसे पहली चीज होती है कि जबकि मैं आत्मा बाबा को याद करके एक कांस्टेंट याद की स्थिति बनाए हुए हूँ। अब जब हम इस लाइन को देखते हैं, कांस्टेंट कांस्टेंट बाबा की, जिसको बाबा कहते हैं निरंतर याद, ये निरंतर याद एक्चुअल में हमारी बॉडी में कांस्टेंटली खुशी, कांस्टेंटली संतुष्टता और भी जो सुख और जो भी बातें होती है जो हमें अच्छी लगती है वो सारी हमारे बॉडी में कॉन्स्टेंटली फ्लो करे, उसके लिए हमारा जो पुरुषार्थ होता है वो वर्टिकल होता है। ये हमारी यात्रा है, हमारी यात्रा है ऊपर जाने की, और हमारा रिजल्ट है एक रास्ता, एक रस रहना। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? जी जी जी, ठीक समझ में आ रहा है। राइट राइट। तो जब जैसे कि बॉडी में हमें हर पल एनर्जी चाहिए, बॉडी के अंदर एनर्जी हर पल हमें फ्लो में चाहिए, मतलब इनडेफिनेटली ऑलवेज एनर्जी का फ्लो होना चाहिए। उसके लिए क्या करना होता है, हमें कुछ ना कुछ खाते रहना होता है, बॉडी को उसको पचाते रहना होता है, उसको ब्लड बनाते रहना होता है, उसको एनर्जी बनाते रहना होता है जिसको हम यूज कर सके। तो एक कांस्टेंट फ्लो ऑफ एनर्जी हो उसके लिए एक कांस्टेंट पुरुषार्थ लगता है। और आज के समय के हिसाब से अगर हम देखते हैं, आज के वेदर के हिसाब से, आज जो इतना बदलता हुआ वेदर है, इतनी बदलता हुआ पॉल्यूशन है, इतना बदलता हुआ सब कुछ है हमारे आसपास, जैसे कि आप देखो खाने में पॉल्यूशन है, हवा में पॉल्यूशन है, पानी में पॉल्यूशन है, हर जगह। पहले अगर मुझे 1 किलो कैलोरी लेनी होती थी तो शायद मुझे 500 ग्राम में, एकदम अज्यूम कर दो 500 ग्राम प्योर फूड खाना होता होगा पहले। अब जब मुझे 1 किलो कैलोरी लेनी होती है तो शायद मुझे 1500 ग्राम इम्प्योर फूड खाना पड़े जिससे कि मुझे 500 ग्राम जितनी इक्वलेंट 1 किलो कैलोरी मिलेगी। क्यों? क्योंकि अभी जो बाकी 1000 जो आ गया है वो 1000 इसके अंदर अपवित्रता मिक्स हो गई है, कभी क्या मिक्स कर रहे हैं, कभी क्या मिक्स कर रहे हैं, कभी इसमें इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। तो कॉन्स्टेंटली बॉडी को उतनी ही एनर्जी क्रिएट करने के लिए अब ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। पहले वो सिर्फ 500 ग्राम को पचाती थी, 1500 ग्राम उसको पचाना पड़ रहा है। मैं बात बता रही हूँ, एक एग्जाम्पल ले रही हूँ। उसी तरीके से आज का जो हमारा स्थिति है, एक रास्ता की जो स्थिति है उसको बनाए रखने के लिए हर पल कॉन्स्टेंटली पुरुषार्थ को अप करना होता है, कॉन्स्टेंटली पुरुषार्थ में आगे निरंतर बढ़ना होता है, ऊपर की तरफ बढ़ते रहना होता है, उलझने आती जाती है उस पहाड़ के ऊपर चढ़ते रहना होता है कॉन्स्टेंटली, कि हमें उतनी ही एनर्जी मिले जितनी पहले मिल रही थी, क्योंकि अब उतना ही मिल पाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? तो राइट हाँ, तो अब क्या है कि जब हम अपनी पुरुषार्थ की बात करते हैं जिससे कि मुझे मेरे जीवन में
उतनी ही खुशी रहे, उतनी ही संतुष्टता रहे, उतना ही सुख रहे, उसके लिए मेरा जो मूवमेंट ऑफ पुरुषार्थ है, वहां पर आ जाते हैं हम, जो मेरा मूवमेंट ऑफ पुरुषार्थ है वो है अप जाना। अब इस अप जाने की जर्नी को हम समझते हैं। अप के एंड में खड़े हैं एकदम, हमारी सीमा जो है, जो लिमिट है वो है शिव बाबा, जो मतलब कि इससे ज्यादा ऊंचा हम नहीं पहुंच सकते। पुरुषार्थ करके एक स्थिति बनाने की जो हमारी क्षमता है वो है शिव बाबा इज मैक्सिमम, शिव बाबा इज द लिमिट जहां तक हम पहुंच रहे हैं, और बीच में हम कहीं ना कहीं जर्नी कर रहे हैं। तो अब आप ये बात समझने की है कि सभी को ऊपर जाना है। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं, व्हेन वी फ्लो लाइक अपवर्ड्स, हमारी जो जर्नी होती है, हमारी जर्नी जो कि अपवर्ड्स है, उसमें हम नहीं कह सकते कि हम ये वाला रास्ता लें या ये वाला रास्ता लें। एक रास्ता हो सकता है कि हम अथक सेवा कर रहे हैं, हम बहुत ज्यादा बाबा की निरंतर सेवा कर रहे हैं, कमर तोड़ सेवा कर रहे हैं, तन मन धन सब सफल कर रहे हैं। एक हो सकता है ये भी रास्ता हो, एक हो सकता है हम बैठ करके बहुत किताबें पढ़ रहे हैं, बहुत रिसर्च कर रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, मनन चिंतन कर रहे हैं, वो भी रास्ता हो सकता है। एक रास्ता हो सकता है कि हम सहज याद में लगे हैं, सिर्फ बाबा को निरंतर याद कर रहे हैं, भोली भोली माताओं जैसे हम याद किए जा रहे हैं और हम कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो भी एक रास्ता हो सकता है। रास्ते कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि जब हम धरती पर चलते हैं, when we walk on earth, तो हम फुटप्रिंट्स बनाते हैं, लेकिन हवा में पच्चे नहीं बनते। लेकिन आइडिया इज हम अपनी करंट स्थिति से ऊपर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये बात क्लियर हो रही है? हाँ जी, हाँ जी दीदी, है ना। अदरवाइज नहीं, 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 ये फुटप्रिंट्स और इसमें डिफरेंस क्या बोल रहे हो आपकी, मतलब जब हमको ऊंचा ऊंचा उठना है तो इट कैन बी डिफरेंट वेज इन विच आई कैन गो अप। फुटप्रिंट्स का क्या मतलब, जब इज इट फिक्स्ड समथिंग, धरती पर चलते हैं तो अगर एक रास्ते से गुजर के गए तो उस रास्ते पर फुटप्रिंट बना लेते हैं ना, करेक्ट, ताकि दूसरा फॉलो कर सके, राइट। लेकिन हवा में ऊपर जा रहे हो तो फुटप्रिंट बना पाओगे क्या? हाँ, मतलब वैसा, हाँ, फिजिकल फॉर्म में नहीं बना सकते हैं, मगर स्टिल यदि कोई सेवा करता है या कुछ करता है तो कोई ना कोई पदचिन्ह तो बनते ही हैं, उसको कोई ना कोई फॉलो भी कर सकता है उसको। करेक्ट करेक्ट, कर सकता है, लेकिन वो सेवा करके, वही मैंने बताया, सेवा करके वो जा रहा होगा टॉप नंबर पे, वो सहज याद से जा रहा होगा टॉप नंबर पे, वो रिसर्च करके जा रहा होगा टॉप नंबर पे, वो कुछ भी करके जा रहा होगा, उसका रास्ता कोई भी हो सकता है। क्योंकि देखो भोली भोली माताएं भी हैं, वो तो नहीं पढ़ाई कर सकती हैं, वो कैसे करेंगी, राइट। कन्याएं भी हैं, वो कैसे करेंगी, शायद इतनी पढ़ी लिखी नहीं है या सिर्फ अपनी पवित्रता के बल पर बाबा की अथक सेवा कर रही है। टीचर बहने भी हो सकती हैं, उनका पुरुषार्थ कुछ अलग हो सकता है। तो आप इसको फॉलो करना भले करो, लेकिन आइडिया इज वी नीड टू गो अपवर्ड। अगर हम अप नहीं जा रहे हैं तो ये जो निरंतर वाली बात आई थी, एक रास्ते की बात आई थी, वो नहीं आ रही है। ओके, राइट, ठीक है। तो इसमें हमें अपने आप को जज नहीं करना है कि हम क्या हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वो विधि कोई भी हो सकती है, ओके, जिससे कि मैं ऊपर जाने का मतलब ऊपर जाने का मार्ग बनाऊं। सिद्धि है ऊपर जाना, राइट, समझ में आया? तो ऊपर जाना इज इम्पोर्टेंट। अब ऊपर जाकर हम सहज से सहज पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम टिपिकल से टिपिकल पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, जो इच्छा है वो करो। पुरुषार्थ को बहुत सहज बना लो, पुरुषार्थ को बहुत टिपिकल बना, बहुत मुश्किल बना, अपने ऊपर है। लेकिन आइडिया विल ऑलवेज बी कि हम ऊपर जा रहे हैं। मतलब कहीं पे भी हमको जैसे जो बातें आई कि संतुष्टता हो रही है या खुशी हो रही है, तो वो अपने आप से हर एक अपने अपना एक मार्क बना के समझ पाएगा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ। राइट, ठीक ठीक है। अब उसके लिए हम किसी भी लेवल का कोई सा भी पुरुषार्थ, राइट, ठीक है, ऊपर है,
ठीक है। एक बार बाबा बोलते थे चीटी पुरुषार्थ, चीटी पुरुषार्थ होता था बार बार बनाया, बार बार किया और बार बार टूट गया। आपने सुना होगा ना चीटी पुरुषार्थ, बाबा बोलते थे चीटी पुरुषार्थ नहीं करना। तो चीटी पुरुषार्थ होता था कि आपने बार बार कोई रास्ता चुना और फिर बार बार नीचे गिर गए क्योंकि मेंटेन नहीं हो पाया। तो जितना ज्यादा हमारा पुरुषार्थ टिपिकल होता है उतना ज्यादा वो मुश्किल होने के कारण चीटी पुरुषार्थ होता है। जितना वो सहज होता जाएगा, इजी होता जाएगा, उतना उड़ना आसान होता जाएगा। समझ रहे हैं ये बात? हाँ जी, ओम शांति। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं कह रही थी कि सारे रास्ता अपना है, तो जैसे आपने तीन रास्ता बताया, कोई सहज याद कर रहे, कोई सेवा कर रहे, कोई पढ़ रहे, हाँ, तो तीनों ही रास्ता अपना है तो भले अपना। लेकिन याद का रास्ता तो एक ही होगा ना, या तो आप उस समय में बाबा को, मतलब बाबा को याद करने का जो तरीका होगा उस रास्ते की बात कर रहे हो, ना कि आपकी क्रिया। बाबा को याद करने का तरीका क्या है? या तो हम कॉम्प्लिकेटेड शिव बाबा को समझ रहे हैं, पढ़ना मना कॉम्प्लिकेटेड शिव बाबा को समझना, बैठ करके बुद्धि लगा करके जैसे हम करते आए हैं, ठीक है, या फिर हम सेवा के द्वारा शिव बाबा को एकदम निरंतर बुद्धि में रखने में बाबा की सेवा कर रही हूँ, या बाबा की सेवा है उसके लिए हर चैलेंज ले रहे हैं, हर कुछ कर रहे हैं, या फिर मैं बस बाबा की गुणगान ही कर रही हूँ, महिमा ही कर रही हूँ बैठ करके, बाबा ये है, बाबा वो है, बाबा सर्वशक्तियों का सागर है। मैं इस याद के पुरुषार्थ की क्वालिटी बोल रही थी, ना कि क्रिया। तो फिर ओके, तो फिर जब हम बाबा को याद, बेसिकली याद का पुरुषार्थ जो हम करें उसकी विधियां जो जो हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की विधिज, वो हम अपना सिंपल बैठ करके हम ये भी सोच रहे हो शिव बाबा की किरने लाल रंग की किरने गिर रही है, मैं अनुभव कर रही हूँ, अनुभव में जा रही हूँ और अनुभव हो रहा है, वहां तो कोई बुद्धि ज्यादा नहीं चला रहे हम, बल्कि एकाग्रता है कि हम सिर्फ बाबा की लाल किरने अनुभव कर रहे हैं, तो वो भी याद है। या फिर हम बैठ करके सिर्फ बाबा का गुणगान कर रहे हैं, बाबा आप ये हो, बाबा आप वो हो, बाबा आप आ गए हो, मुरली के पॉइंट्स का रस ले रहे हैं, याद करके मनन जिसको बाबा कहता है वो कर रहे हैं, वो भी बाबा की याद है। बाबा की याद हर चीज, मतलब जो भी बाबा ने आज तक हमारे लिए एवेन्यूज बनाए हैं, इजी या डिफिकल्ट, इवेंचुअली है बाबा की याद। लेकिन इसमें समझना ये जरूरी होता है कि हमें ऊपर ले जाने वाला, ऊपर खींचने वाला, ऊपर की तरफ खींचने वाला शिव बाबा है। हम कोई भी पुरुषार्थ का रास्ता अपनाएं, हमें आगे बढ़ाने वाला शिव बाबा है। ये बात समझ में आ रही? हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, ना ही अपने आप से कुछ कर पा रहे हैं। अगर हम ऊपर भी जा रहे हैं तो वो शिव बाबा के कारण ही जा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जब आपने ऐसे रास्ते बताए, जैसे कोई कन्याओं के लिए कोई किस, तो जो भी हमारे यहाँ संकल्प आ रहा है कि मुझे ये ट्राई करना चाहिए, क्योंकि हम ट्राई भी करते हैं, एक बार हमने ये ट्राई किया तो हमको नहीं उतनी संतुष्टता या खुशी हुई, तो हमने कुछ दूसरा भी ट्राई किया, तो आप बोल रहे हो कि जो भी नया ट्राई भी आ रहा है मुझे, वो शिव बाबा के मतलब उससे नहीं आ रहा है, हाँ उसी से आ रहा है। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चंस आ रही है, जो भी हमें क्लैरिटी मिल रही है, वो शिव बाबा से ही मिल रही है, और कोई तरीका नहीं हमारे, हमें ऊपर बढ़ाने का, इस रास्ते में ऊपर बढ़ाने का। हमारा पुरुषार्थ 1% ही है, 99% शिव बाबा का है। शिव बाबा ही हमें ऊपर खींच रहा है, शिव बाबा ही हम, क्योंकि हमने रास्ता देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं, शिव बाबा पल पल हमें खींच रहा है। तो उसमें जितना ज्यादा शिव बाबा से योग लगा होगा, क्यों मैं ये बात आपको बोल रही हूँ, क्योंकि उसमें जितना ज्यादा शिव बाबा से योग लगा होगा उतना ज्यादा शिव बाबा हमें खींच पाएगा। समझ में आया? हमारी स्थिति को ऊंचा कर पाएगा, ठीक है। और अगर हमारा शिव बाबा से घड़ी घड़ी योग टूट रहा है तो शिव बाबा हमारी स्थिति को ऊंचा नहीं कर, क्योंकि मेरी स्थिति
मेरे ऊपर मेरे कारण कम है, शिव बाबा के कारण ज्यादा है आज के समय में, वो स्थिति एकरस हो जाएगी सत्ययुग में, जबकि उस स्थिति को चैलेंज करने वाले पैरामीटर्स अब नहीं बचेंगे, उसको चैलेंज करने वाली माया सत्ययुग में नहीं बचेगी, उसके कारण वो स्थिति एकरस हो जाएगी, वहां पर उसको गिराने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन आज के समय में मुझ आत्मा के ऊपर ऊपर का प्रेशर, मुझे नीचे गिराने का, ऊपर का प्रेशर नहीं कहेंगे इसको, नीचे खींचने वाला प्रेशर बहुत हाई है। और जब मैं शिव बाबा को याद करती हूँ तो बाबा ऊपर खींचने वाला प्रेशर लगाता है। अगर मैं 1% भी ऊपर जा रही हूं तो उसका कारण है कि शिव बाबा के ऊपर खींचने वाला फोर्स इज ग्रेटर देन माया का फोर्स, तब मैं ऊपर जा पा रही हूँ। जब मैं सत्ययुग में आऊंगी तो सत्ययुग में नीचे खींचने वाला फोर्स होगा ही नहीं, मैं आत्मा एकर स्थिति अपने आप बना पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास में नीचे खींचने वाला कोई फोर्स होगा ही नहीं। जो गिरूंगी धीरे धीरे धीरे, बैटरी यूज होने से भले ही गिरती जाऊंगी, लेकिन नीचे खींचने वाला डाउनवर्ड कॉजेशन जो डाउन खींचता है वो फोर्स मेरे पर काम नहीं कर रहा होगा सत्य पर देता। ये बात समझ में आई जी? नहीं? तो जितना ज्यादा इजी बाबा को याद करना हम करेंगे, याद के ऊपर, आयात की क्वालिटी के ऊपर, इन सब के ऊपर फोकस ना करके याद करने पर फोकस करेंगे, उतना ही ज्यादा मेरा बुद्धि योग शिव बाबा से जुड़ेगा, और उतना ही ज्यादा शिव बाबा वो फोर्स लगा पाएगा जिससे कि मैं ऊपर उठूं। क्लियर हुआ? और माया के ऊपर विजय, बाबा क्या कहते हैं, माया के ऊपर विजय दिलाने वाला शिव बाबा आ गया। आपको रावण के ऊपर विजयी बनाता हूं, हम नहीं बनते हैं, शिव बाबा विजयी बनाता है। हम में नहीं वो ताकत है कि हम रावण के ऊपर विजयी बन सके, शिव बाबा हमें बनाते हैं अपनी शक्तियां दे करके। तो आइडिया सिर्फ अब इतना है कि हमें कॉन्स्टेंटली शिव बाबा की शक्तियां मिलती रहे, कॉन्स्टेंट फ्लो ऑफ पावर्स होता ही रहे, ताकि हम माया के ऊपर, माया के इस फोर्स को नलिफाई करके माया के ऊपर विजयी बनते रहे। ये बात क्लियर हुई? हाँ जी। अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी को? बहुत सारी बातें कर लूं, अभी भी बहुत सारी करनी है। किसी को क्वेश्चन है? हाँ दीदी, एक क्वेश्चन है। बोलिए। जो याद होनी चाहिए बाबा हमें खींच पाए वो याद, मतलब आई एम स्टिल कंफ्यूज्ड कि बाबा याद किसे कहते हैं, व्हाट शुड बी द राइट पाथ टू रिमेम्बर बाबा? एनीथिंग मानसी बहन, शिव बाबा को बाबा स्नेह का सागर है, बाबा प्रेम का सागर है, बाबा का प्रेम का सागर है, ये भी बाबा को याद करना ही है। अगर फीलिंग्स नहीं आ रही है तो नहीं, कभी भी आने लग जाएगी। हम पहले फीलिंग्स पे इतना फोकस कर लेते हैं कि हम याद ही नहीं करते। फीलिंग आना मना क्या, फ्लो ऑफ पावर्स फ्रॉम टॉप टू डाउन, उसके लिए कनेक्शन तो बैठे। हम सोचते हैं कनेक्शन लगा नहीं और फीलिंग्स आना चाहिए, ऐसा होता नहीं है ना। हमारे बुद्धि में कितनी सारी बातें चलती रहती है, राइट? उन सबको साइड, उन सब से डिस्कनेक्ट होना और शिव बाबा से कनेक्ट होना टाइम तो लगता ही। इसलिए तो बाबा कहते हैं बार बार तोड़ो मत तार को, जोड़े रखो, कैसे भी याद करते रहो जोड़े रखो बस, ताकि दूसरी चीजों से तो तुम बचे रहोगे ना फालतू के। अब जैसे कि आप, जैसे कि पिछली क्लास में बोला, आपके सामने चॉइस है, या तो बैठ करके मैं इस बात का चिंतन करूं, अरे यार मेरे पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, या तो मैं ये सोचूं या फिर मैं शिव बाबा को याद करूं, समझे? Yes. तो क्या होगा कि हम इन बातों से तो बचे रह गए ना, विजयी ऑटोमेटिकली बन गए माया के ऊपर, क्योंकि ये जो संकल्प आ रहे हैं, संतुष्टता नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, अप्राप्ति के संकल्प माया के हैं, भ्रम है, धोखा है,
बाबा यही है, सर्व प्राप्तियां यही है, लेकिन हम उसकी तरफ मुंह ही नहीं कर रहे, हम मुंह ही माया की तरफ किए हुए हैं। तो कितने सारे व्यर्थ से आप बच गए, ऑटोमेटिकली विजयी होने की खुशी हो जाएगी बहुत। जैसे सुचित्रा बहन ने कहा ना, करंट आएगा, आपको ऐसा लगेगा बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है, इतनी एनर्जी फ्लो करने लग जाएगी, क्योंकि हर पल विजयी बन रहे हो, हर पल माया की बातों को ना सुन करके सिर्फ शिव बाबा को याद कर रहे हो। अच्छा, तो दीदी जब हम मुरली सुनते हैं और बाबा कोई पॉइंट बोलता है जो जिससे हमारा ईगो सेल्फ हर्ट होता है, ठीक है, मना हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है और समथिंग इज कमिंग, जैसे आप बोल रहे थे ना डिफेंस करते हैं फिर रेजिस्ट करते हैं कुछ भी, तो इफ दैट थिंग इज हैपनिंग और फिर हम उसको रियलाइज करने के लिए पहले तो वो होता ही है, थोड़ा दुख होता है, फिर हम उसको रियलाइज करते हैं, सो दैट थिंग वो भी माया है, राइट? हाँ, क्यों सोचना है, पता तो है ना 63 जन्मों की गंदगी पड़ी हुई हमारे अंदर। अगर देखो सिंपल सी बात है, आप किचड़े में एक सेकंड, आप अगर किचड़े में, मतलब जहां पे कीचड़ रखा हुआ है रोड पे, आजकल बरसात हो रही है तो कीचड़ है ना काफी, राइट? तो अगर आप कीचड़ के ऊपर पत्थर डालोगे तो बहन कीचड़ अपने ऊपर ही गिरेगा, उछलकर कीचड़ मेरे ऊपर ही आएगा ना अगर मैं पत्थर डालूंगी तो। तो क्यों ये संकल्प के पत्थर हम डाल रहे हैं कि मेरे में ये कमी है, मेरे में ये कमजोरी है, मेरे में ये है, मेरे में वो है? ऑफकोर्स है ना, तभी तो बाबा के बने हैं। नहीं वो तो ठीक है, बट व्हेन द पॉइंट्स आर आपको हिट कर रहे हैं तो आपका वो पेन तो होगा, राइट? बट देन यू आर नॉट, आप उसको अटेंशन नहीं दे रहे, वो अलग चीज है। हाँ, तो उसका विपरीत उसी समय सोचने लग जाओ ना। अच्छा, जो चीज धारण करनी है, जो चीज की कमी दिख रही है, जैसे आपको लगता है मेरे में पेशेंस की कमी है, बाबा पेशेंस का सागर है, बाबा पेशेंस का सागर है, बाबा पेशेंस का सागर, इस बात के विस्तार में क्यों जाएं कि मेरे अंदर पेशेंस की कमी है, अभी तक कितनी कमी है, कब ये पूरी होगी, या मेरे अंदर ये कमी है, देखो उस दिन भी ये कमी दिखाई दी, उस दिन भी ये कमी। कीचड़ के अंदर पत्थर डालोगे तो कीचड़ अपने पे ही आएगा। फायदा नहीं है उसका विस्तार करने का। क्या होगा इवेंचुअली, क्या लगेगा, अच्छा मुझे बाबा को याद करना है, इवेंचुअली क्या लगेगा, योग करना है, यही आएगा सोल्यूशन। तो पहले करने लग जाओ, इतना भी टाइम क्यों डाल रही हो, और टाइम तो डाल रही हो, खुद को गंदा भी कर रही हो, खुद की ग्लानी भी कर रही हो, सेल्फ एस्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस भी लो कर रही हो, फिर वो वट वृक्ष बन जाएगा, फल आएंगे, फूल आएंगे, कांटे आएंगे, उस बीज को पानी मत दो ना। रियलाइजेशन कराने वाला शिव बाबा बैठा है। ओके, हाँ अभी भी आई डू एनालाइज और मैं उसको ठीक करने का सोचती हूँ, बट इंस्टेड ऑफ दैट मतलब बाबा को याद करना है, वो भी नहीं करना है, उसके भी डिटेल में नहीं जाना है कि क्या कर रही हूँ या फिर हाउ कैन आई करेक्ट इट। करके देख लिया ना आपने, कुछ हुआ क्या अभी तक, कितने दिन से हम कर रहे हैं, क्योंकि हाँ। वो लूप है, विशियस लूप है, कीचड़ ही कीचड़ का विस्तार है, पता है 63 जन्म पापी किए हैं, पाप का घड़ा भरा हुआ है, फिर क्या करना विस्तार में जाकर। तो हम सोचते हैं इससे अच्छा मैं शिव बाबा को याद करूं, तो शिव बाबा का एक अनोखा तरीका है हमें बताने का कि बच्ची ये गलती है और ये सोल्यूशन है। शिव बाबा नहीं बताएगा क्या? बताएगा ना शिव बाबा? हाँ, यस, समझ गया। वो तो आया ही हमें करेक्ट करने के लिए, लेकिन हम खुद ही बोझा ले लेते हैं अपने सर पे कि मुझे अपने आप को करेक्ट करना है, वो आत्मसमर्पण नहीं है, क्योंकि उसके अभी हम ऑन दैट नोट लेट मी गो इनटू फर्दर डिटेल ऑफ द क्लास। तो ऑन दैट नोट अब हम ये देखते हैं कि जब मैं आत्मा निरंतर एक स्थिति बनाए हुए हूँ, ठीक है, निरंतर एक रस स्थिति चल रही है मेरी ना, और कभी कभी ये स्थिति, मतलब कि कभी कुछ कर्म के कारण ये स्थिति हल्की सी डिप होती है, ठीक है, और मैं एक लो लेवल पे आ जाती हूँ, अगर ये वाली क्रिया, ये पूरी क्रिया निरंतर मेरी चल रही है अच्छी स्थिति, और फिर मैंने कुछ कर्म किया, किसी दिन कुछ ऐसा उल्टा काम कर दिया, श्रीमद का उल्लंघन किया, मुझे नहीं पता कुछ किया जिसके कारण मेरी स्थिति नीचे आई, If this is happening, कि 99% of the time मैं happy हूँ,
मैं संतुष्ट हूँ, मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ 99% ऑफ द टाइम अगर ये है, तो 1% ऑफ द टाइम जब मैं नीचे गिर रही हूँ तो मैं एनालाइज करके समझ भी सकती हूँ कि मैंने क्या गलती करी है। लेकिन अगर 50% ऑफ द टाइम मैं गिरी हुई हूँ, 50% ऑफ द टाइम मैं खुश हूँ और 50% ऑफ द टाइम मैं दुखी हूँ, तो मैं क्या स्थिति को एनालाइज करूंगी, क्या सोचूंगी, क्या गलती है मेरे अंदर, अरे गलतियां ही गलतियां भरी है, क्या देखूंगी मैं। समझ में आया? हाँ जी, हाँ जी। जब मेरे स्थिति ही नीचे की है, 50% ऑफ द टाइम्स मैं नीचे ही गिरी हुई हूँ, 50% ऑफ द टाइम्स मैं ऊपर हूँ, तो जब मैं जैसे मैं नीचे गिरती हूँ वैसे ही मैं एनालाइज करना शुरू करती हूँ, तो मुझे क्या नजर आएगा? कुछ नजर नहीं आएगा, तो मैं माया के जाल में ही फंसूंगी, क्योंकि गिरी मना माया के पास ही हूँ, बाबा के पास तो हूँ ही नहीं। तो यहाँ पर मैं जो भी एनालिसिस करूंगी वो सेल्फ क्रिटिकल होगा, वो खुद को दुख देने वाला होगा, दुखी बनाने वाला होगा, वो अपने कॉन्फिडेंस को चूर करने वाला होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा। और कब तक मैं करती रहूंगी, अब तक मेरे में ये कमी है, अभी भी ये शब्द निकलेंगे मुख से, कब तक, अभी मतलब अभी भी मेरे अंदर ये कमियां हैं। क्यों? क्योंकि ध्यान सारा कब एनालाइज ही तब कर रहे हो जब स्थिति गिरी हुई है, तो कुछ समझ नहीं आएगा। ये बात समझ में आ रही है हांसी बहन? हाँ दीदी, एंड द सेम वर्ड्स आई यूज जो आपने लिखे हैं। हाँ, तो अगर आप 1% टाइम्स नीचे गिर रहे हो तो आप एक गलती को एनालाइज करके फिर ऊपर सोच सकते हो, या नेक्स्ट टाइम अटेंशन रख सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है। 1% चीज के ऊपर आप 50, मतलब आप मान लो एक बात है, आप यहाँ 50 बातों को कैसे बुद्धि में याद रखोगे, 50 बातों को कैसे हैंडल करोगे? कभी यहाँ एक्सीडेंट होगा, कभी यहाँ एक्सीडेंट होगा, फिर बैठोगे अरे यार इस बार ये गलती होगी, अरे यार इस बार ये गलती होगी, पूरा चिंतन गलतियों के ऊपर ही चलता रहेगा। अरे यार कितनी लाइफ, मतलब आप सोचो लाइफ हमारी इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, गलतियां ही गलतियां, ये गलती करती हूँ मैं, वो गलती करती हूँ मैं, वो गलती करती हूँ, क्यों? क्योंकि ऑल द टाइम इसी पे ध्यान है। इंस्टेड मैं अपनी स्थिति को ऊंची करने में लगू ना, 100% 99% ऑफ द टाइम्स अपनी स्थिति मेंटेन करूं, हर पल बाबा को चूज करूं, बाबा की याद को चूज करूं, बाबा वर्सेस वर्ल्ड हो जाए मेरे लिए, और मैं सिर्फ बाबा को याद करूं, तो 99% ऑफ द टाइम्स में जब अपनी स्थिति मेंटेन करूंगी, और जब 1% नीचे गिरेगी तो मुझे रत्न मिलेंगे, तो मुझे पता चलेगा कि बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करने का क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये क्लासेस होंगी जैसे कि आज हो रही है। लेकिन अगर मैं ऑल द टाइम दुखी हूँ, अरे यार ये भी काम नहीं कर रहा, वो भी काम नहीं कर रहा, मेरे से ये गलती हो रही है, मेरे से वो गलती, तो जीवन तो आप ही बताओ, वो खुशहाल तो नहीं होगा। Yes, it is not. Constantly एक dissatisfaction वाला रहता ही है, no matter आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, अंदर से एक deep dissatisfaction is always there. Correct. क्योंकि आपका ध्यान ही पूरा गलतियों के ऊपर है, ध्यान एकाग्रचित हो गए हो आप गलतियों पे, मेरी ये कमजोरी है, मैंने ये क्या, इसके कारण ये हुआ, ये क्या इसके कारण ये हुआ, इससे ज्यादा अच्छा है चूज बाबा। एंड 99% ऑफ द टाइम सुखी रहो, तो 1% टाइम जब गिरोगे तो सोच पाओगे कि अच्छा ये वाली श्रीमत का उल्लंघन करने से ये काम हो जाता है, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी, कुछ समझ नहीं आएगा। समझे? और फिर उलझते ही रहना इसी में, इसको सोचने में, शायद इसके कारण हुआ, अनुमान ही चलता रहा, क्योंकि इतनी सारी चीजों को कैसे समझोगे, पॉसिबल ही नहीं इतनी सारी चीजों को समझ पाना एक साथ। ये बात समझ में आ रही? Yes, understood. तो ध्यान हमारा हो बाबा, ध्यान हमारा हो बाबा की याद, ना की गलतियां, ना की कमजोरियां। एक बार पता चल गई ना, अब जब आप 99% ऑफ द टाइम जब सुखी रह रहे हो और 1% टाइम जब गिर रहे हो 1%, तो आप तो मुझ में हिम्मत भी आएगी कि मैं फिर से उठने का पुरुषार्थ करूं, राइट? और
इस बात पे अटेंशन भी जाएगा कि हाँ चलो ये जो मैंने गलती करी उसको मुझे रिपीट नहीं करना है, लेकिन स्थिति में मेंटेन करने का मेरा पुरुषार्थ रहेगा, खुश रहने का पुरुषार्थ रहेगा, सुखी रहने का पुरुषार्थ रहेगा। पुरुषार्थ ये नहीं रहेगा वो मुझे खोद खोद के अपनी गलतियां निकालनी है, वो तो वैसे ही आ जाएगी सामने। गलतियां अगर अंदर भरी हुई है तो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं हो ही जाएगा और मैं 1% नीचे गिरूंगी ही सही और मेरे सामने आएगा। बिना बिना गलतियों को रेक्टिफाई किए, बिना संस्कार को बदले शिव बाबा में जाने थोड़ी देगा, तो मैं क्यों उस बात का बोझ लूं। लेट बाबा टेक केयर ऑफ माय कमजोरीज, वो बता देगा मुझे। वो संस्कार आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं रावण के, इस बात से आप निश्चिंत हो जाओ। वो आएंगे ही आएंगे, अगर अंदर बैठे हैं तो सामने आएंगे ही आएंगे, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनको आना ही है। उनका काम ही हमारा काम खराब करना, तो वो आएंगे ही आएंगे सामने, छोड़ेंगे नहीं। ये बात समझ में आई? यस, और मैं आज वही क्वेश्चन हो रहा था कि अगर इतनी सारी कमजोरियां है देन हाउ कैन आई बी सो मच बेफिकर, यू नो, पर दैट में था जस्ट आस्किंग दैट। बट अगर बाबा को ही रिस्पॉन्सिबल बना देन ओनली इट इज पॉसिबल, अदरवाइज तो आप फिक्र में रहोगे अगर खुद कर रहे हो तो। हाँ बिल्कुल, हमारे सपोज देने बाबा आए। ओके, तो इसमें क्या होता है कि जब हम 99% ऑफ द टाइम्स जीवन में खुश हैं, मेंटेन कर रहे हैं अपनी स्थिति, तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, तो मेरे अंदर शक्तियां फ्लो कर रही है। और फिर इसमें कभी मेरे से कोई गलती भी होती है और मेरे सामने कोई संस्कार आता है पुराना, तो मेरे में शक्ति है कि मैं उस संस्कार के साथ मैं दो हाथ करके उस पर विजय पा सकूं, दृढ़ता ला सकूं जीवन में, दृढ़ संकल्प कर सकूं। अभी तो आप पल में उठते हो, 50% ऑफ द टाइम सही रहना, 50% ऑफ द टाइम गलत रहने का मतलब होता है एक पल ऊपर उठे फिर गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए, फिर उठे फिर गिर गए। अब ये आत्मा क्या दृढ़ संकल्प करेगी? आत्मा दृढ़ संकल्प कर ही नहीं सकती है जिसका चार्ट ऐसा है, क्योंकि उसको पता है आज कितना भी कर लू गिरना तो है ही, कितना भी कर लू नीचे तो जाना ही है, समझे? तो क्या ये दृढ़ संकल्प करेगी? ये तो दिल शिकस्त आत्मा है, इसमें कोई शक्ति नहीं है। आज बाबा की अव्यक्त मुरली पढ़ रहे थे तो उसमें बाबा ने बोला दिल शिकस्त नहीं दिल तखत नशीन बनो। तो ये ऊपर नीचे नहीं हो, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या पुरुषार्थ है, इसके लिए भी तो पुरुषार्थ होगा ना फिर। हाँ, हर बार बाबा की याद को चूज करो, इससे अच्छा मैं ये करूं मैं बाबा को याद करूं, इससे अच्छा मैं ये सोचूं मैं बाबा को याद करूं, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि है शिव बाबा, उसके हाथ में बात छोड़ेंगे वो। और हमने करा भी अनुभव, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, वो हमसे ज्यादा अच्छे से ही वो काम करेगा, लेकिन हमसे चिंतन करना छूट नहीं रहा, उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है कि मुझे बाबा को याद करना है, बाकी दुनिया की बाबा जाने बाबा का काम जाने। जैसे सुचित्रा बहन ने कहा ना, मैंने को उनकी लाइन जो बहुत अच्छी लगी कि बाबा मैं आपको याद करती हूँ, आप सुनो इनकी गालियां, या आपको है जो भी ये कहने के लिए, मुझे आपको याद कर, तो इजी हो गया, अपने आप से स्वयं को बहुत सारी बातों से फ्री कर दिया, अपने आप को फ्री कर दिया, बुद्धि को फ्री कर दिया। ये बात समझ में आई? वो बुद्धि जो फ्री है वो बुद्धि शिव बाबा को याद कर सकती है। जो बुद्धि लोअर लेवल की बातों में लगी हुई है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्वेश्चन मार्क्स में उलझी हुई है, वो क्या बाबा को याद करेगी? वो तो फंसी हुई बुद्धि है, उसके पास समय ही नहीं है कि वो बाबा को याद करे। एक क्वेश्चन है कृति दीदी, कि जैसे क्यों आजकल छोटी छोटी बातें भी जैसे परेशान कर देती है, ऐसा क्यों हो रहा है? छोटा छोटा सा भी कोई करते हुए देखते हुए लगता है ये मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये मैं करूं तो बहुत अच्छा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भी कोई कारण है? आपकी कमजोरियों पर है क्या? चेक, ध्यान कमजोरियों पर है, चेक करो क्या सुन रही हो, क्या पढ़ रही हो, किसके संगत में हो। ध्यान कमजोरियों पर है आपका, पूरा ध्यान है कमजोरी पर, वहीं पर अगर कमजोरी है तो वहीं पर अपॉर्चुनिटी भी है।
लेकिन ध्यान कमजोरी पर जा रहा है। क्या कर रही हो, कैसा पुरुषार्थ कर रही हो, आप खुद सोचो। दिन भर स्वयं की गलतियां निकालने का पुरुषार्थ तो नहीं कर रही हो कहीं, तो गलतियां ही नजर आएगी, कमियां ही नजर आएगी, असफलता ही दिखेगी। चेक करो, जैसी दृष्टि हो जाती है वैसे ही दुनिया नजर आती है। आप कृष्णा बहन, आप चेक करके बताना, ठीक है, ताकि पता चले कि क्या सोच रही हो, क्या पुरुषार्थ कर रही हो, ठीक है ना। तो जब हम, अच्छा कंटिन्यू करते हैं, तो जब हम 99% ऑफ द टाइम्स उड़ रहे हैं, तो शायद जब 1% टाइम गिरेंगे तो पता चलेगा कि किस चीज का प्रभाव कैसा पड़ता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। कल की बात है कि हम थोड़ा सा, मैं थोड़ा परचिंतन प्रदर्शन में आ गई थी, तो क्या हुआ, तो जो चीजें मैंने देखी वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी उस समय में, कि जितना हमारा मन, मतलब एक रिलेशनशिप है जो मैं आपको बताना चाहूंगी आज, मन का और मुख का एक रिलेशनशिप है, बुद्धि का और आंखों का एक रिलेशनशिप है। अगर मुख मेरा पर चिंतन पर दर्शन कर रहा है, अगर मुख मेरा ग्लानी और मना की जो भी बातें होती है उल्टी बातों में लगा है, तो ये मन कभी चुप नहीं रहेगा। तो ये मन सुनेगा ही नहीं, सिर्फ बोलेगा, बोलता रहेगा, निरंतर बोलता रहेगा। और जो बोलेगा वो अच्छा नहीं होगा, मतलब वो दुखदायी होगा, सुखी नहीं होगा, वही संकल्प दुख के होंगे। अगर मेरी आंखें व्यर्थ देख रही है, नेगेटिव देख रही है, तो मेरी बुद्धि भटकती रहेगी, वो टिकेगी नहीं। उसके सामने कभी ये बात आएगी, कभी वो। अभी दो दो चीजों का भटकना हमें समझना है, एक है मन का भटकना, एक है बुद्धि का भटकना। ये आप खुद अपनी ही स्थिति से एनालाइज करो, अपने ही संकल्पों को चेक करके। अगर बहुत ज्यादा पिक्चर्स आ रही है दिमाग में, बहुत ज्यादा पिक्चर्स आ रही है, बहुत सारा पिक्चर्स मतलब कि इवेंट्स याद आ रहे हैं, चेहरे याद आ रहे हैं, मान लो आपको रंग याद है, मतलब दिखने की चीजें याद आ रही है, तो बुद्धि भटक रही है। और अगर हलचल बार बार आ रही है, कभी दुख लगता है, कभी सुख लगता है, कभी मतलब किसकी कमी याद आती है, कभी किसकी कमी याद आती है, कभी क्या बात याद आती है, कभी हम एक अपने को ही डांट रहे हैं, अपने को, मतलब मिक्स्ड फीलिंग्स है, फीलिंग्स अगर मिक्स्ड है, तो मन भटक रहा है। तो बुद्धि यूजुअली भटकती है जब हम कोई सीरियल देखते हैं, टीवी देखते हैं, मूवीज देखते हैं, शरीर को देखते हैं, है ना, किसी का शरीर देखने में आ रहा है, आत्मा नहीं देख रहे हैं, हमारा ध्यान मटेरियलिस्टिक चीजों पर है, इसका फोन ऐसा, इसके कपड़े ऐसे, जो भी बातें हैं, तो बुद्धि भटकेगी, क्योंकि ये विजुअल है, बुद्धि का काम विजुअल है। और मन भटकेगा जब हम व्यर्थ बातें कर रहे हैं, बोल बोल जो हमारे मुख से निकल रहे हैं उस पर मन निर्भर है। तो अगर सपोज करिए हमारे मन में किसी के प्रति कोई, अब तीसरा भी मैं बताऊंगी इसके अंदर आपको, संस्कार का भी रोल बताऊंगी। तो अगर सपोज करिए हमारे बुद्धि के अंदर किसी की कमजोरी बैठी है, मतलब कि ये आत्मा ऐसी है बैठी है, हम उसकी व्याख्या नहीं कर रहे, हम उसको बोल नहीं रहे, हम चुप हैं, बाबा कहते हैं मुंह में मुलेरा डाल लो। हम अगर चुप हैं और बोल नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, मन भी उस बात को बोलेगा नहीं, चुप रहेगा, वो शांत रहेगा, मतलब उसको पता है, जिसको बाबा कहते हैं देख कर अनदेखा कर देना,
देख कर अनदेखा कर देना वाली बात हो जाएगी कि हमें पता है कि आत्मा कमजोर है या इसकी ये कमजोरी हमें अच्छी भी नहीं लग रही। अब वो हम जाएंगे उस बात पे, संस्कार के ऊपर जाएंगे, बट अभी के लिए संस्कार को छोड़कर के मुझे पता है इस आत्मा की ये कमजोरी है, मुझे पता है ये आत्मा की आदत अच्छी नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, परफेक्ट नहीं है, बहुत सारी गलतियां हैं, वो है हमें पता है, लेकिन अगर मैं व्याख्या नहीं कर रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, तो मन कहीं ना कहीं शांत रहेगा। लेकिन जिस मोमेंट आपने बोल दिया, बात कर दी और किसी से जाकर के बयां कर दिया कि ये आत्मा ऐसी है, ये आत्मा ऐसी है, या आत्मा ऐसी है, ये मन आपका शांत नहीं रहेगा, मेरा भी चुप नहीं रहेगा, वो बोलता ही रहेगा। फिर तो जो वो बोलना शुरू करेगा वो चुप नहीं होगा, उसको चुप करने में बहुत मेहनत लगेगी। अब क्या होगा, इससे क्या होगा, मतलब हमें किसी की कमजोरी दिखी और हमारा संस्कार कैसे काम किया वो भी मैं स्पष्ट करके फिर आगे बढ़ती हूँ। बेसिकली क्या होता है कि जैसे अगर किसी की कोई कमजोरी दिखी, क्योंकि कमजोरी देखने की आदत है, कमजोरी देखने का संस्कार होने के कारण हमें किसी की कमजोरी दिखी, किसी की बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उससे रिलेटेड हमारा संस्कार है, वैसा ही संस्कार है, वही देखने का संस्कार है, तो हमें वो चीज दिखी। अब जब वो चीज हमें दिखी, सपोज करो किसी की कोई कमजोरी दिखी, किसी की कोई गलत बात दिखी, क्योंकि मेरा संस्कार था, तो ये संस्कार, देखने का जो संस्कार है, ये संस्कार प्रेशर बनाता है, ये संस्कार एक फोर्स बनाता है। बाबा कहते हैं संस्कार के प्रभाव है, संस्कार का बोझ, पुराने संस्कारों का बोझ, बाबा ये शब्द यूज करते, ये मुझे अब समझ में आया बाबा ऐसा क्यों बोलते थे। तो पुराने संस्कार, उस संस्कार का, किसी की कमजोरी देखने का, किसी की ग्लानी करने का, या किसी अपने आप कंपेयर करने का, कॉन्ट्रास्ट करने का, कम्पीट करने का जो संस्कार होता है, वो संस्कार हमारे ऊपर बोझ बनकर काम करता है, वो बोझ बनाता है, वो क्या करता है, मनोस्थिति के ऊपर एक प्रेशर डालता है, एक बोझ डालता है। उस बोझ में होने के कारण हम बहुत बार वश हो जाते हैं कि हम अपनी चुप्पी तोड़कर बोल दें, मुख से किसी की ग्लानी कर दें, फिर तो जो प्रोसेस होता है वो हम समझेंगे। तो या हम उसके बारे में नेगेटिव बोल दें, या हम बड़ाइयां चढ़ाइयां कर दें, या हम किसी के प्रभाव में आ जाएं, उसकी बहुत बड़ाई कर दें, किसी की बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोल दें क्योंकि उसके प्रभाव में आ गए हैं, तो उस प्रभावित होने का संस्कार है। क्योंकि तो ये जो संस्कार होता है ये एक प्रेशर क्रिएट करता है, और उस प्रेशर के अंडर, उस संस्कार के वश होकर के हम बोल देते हैं, या हम उसके उसके उसमें चले जाते, विस्तार में चले जाते हैं, एक्सपेंशन में चले जाते हैं। अब क्या होता है, बहुत इंटरेस्टिंग बात होती है, ये जो परदर्शन पर चिंतन की जो प्रक्रिया है, ये हमने पहले भी समझा था, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। क्लॉकवाइज होता है सदगति, ये आप लोगों को याद है, हम लोगों ने इसके ऊपर क्लास भी की है और अनुभूति रिट्रीट के साथ में भी इस चीज को क्लियर किया था। क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज मना जिसमें हमारे पास में सारी नेसेसरी प्राण शक्तियां हमारे शरीर में आ रही है, मुझ आत्मा के पास आ रही है, वो हो गया क्लॉकवाइज रोटेशन, जो कि होता है स्वदर्शन, स्व का दर्शन करना। और पर चिंतन पर दर्शन होता है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जिसमें हमारे अंदर की प्राण शक्ति बाहर जा रही है, जो हमारा ऑरा होता है उस ऑरा से निकल निकल कर बाहर जा रही है और हमें जोड़ रही है इस दुनिया से, इस दुनिया से एंकर किए हुए है, इस दुनिया से हमें जोड़े हुए, तो वो हमें अटकाए हुए है नीचे, हमें उड़ने नहीं दे रही है। तो ये एंटी, ये होता है पर दर्शन और पर चिंतन करने से। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में से निकल निकल कर हमारी प्राण शक्ति बाहर जाती है और इस शरीर को बीमार करती है। तो अगर आपका कोई भी बॉडी पार्ट, सब मेरा, मेरे को पता है मेरा वाला, मेरे लोअर बैक में बहुत पेन रहता था, तो अगर आपका कोई बॉडी पार्ट कमजोर है तो वहां पर आपको पुनः डिस्कम्फर्ट अनुभव होने लग जाएगा, वो चीज वापस पेन करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पर पेन या वहां पर बीमारी ही इस कारण है क्योंकि हमारा नेगेटिव चिंतन चलता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चिंतन चलने से हमारे इसेंशियल शक्तियां शरीर को छोड़ करके बाहर चली जाती है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक बुक में लिखा है, हैंड्स ऑफ लाइट एक बुक है, जो कि लाइट हीलर अपने आप को कहती है, एक बहन बारबरा नाम है उनका, मैं वो बुक शेयर कर दूंगी ग्रुप पे। वो ये बात बोलती है
कि जब आपके चक्रा उल्टे मूव कर रहे हैं तो आपकी सारी प्राण शक्ति बाहर निकल रही है, आप प्रोजेक्ट कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, प्रोजेक्ट कर रहे हो, और आप अपने अंदर की जो जो वाइटल एनर्जीज है जो शरीर को चलाने के लिए जरूरी है वो शक्ति आपको छोड़ छोड़ के बाहर जा रही है, क्योंकि आपका नेगेटिव स्पिन है आपकी चक्रास की। और अगर आपकी और उसको बैलेंस करने के लिए उसको शक्ति देती है, जो भी करती है उनका उनकी मनोस्थिति चेंज करती है, उनका किसी के प्रति नजरिया चेंज करती है, बहुत सारी बातें वो करती है जिससे कि उनकी अगेन वो पेंडुलम से चेक करती है तो उनकी जो स्पिन आती है वो क्लॉकवाइज हो जाती है, तब वो आत्मा एक हेल्दी शरीर के अंदर है। नहीं तो अगर आपके चक्रा उल्टा काम कर रहे हैं, नेगेटिव स्पिन में है, मतलब कि जिसको बाबा दुर्गति कहते हैं, उसमें अगर है तो आपकी सारी वाइटल एनर्जीज बाहर जा रही है, और बाहर जा रही है इसका मतलब आपकी रोगी काया बन रही है, आपका ऑरा रोगी होता जा रहा है, और इसका इम्पैक्ट उन आत्माओं को शायद नहीं दिखे जो ऑलरेडी बहुत हेल्दी है, तो कुछ चला भी गया तो इतना नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर ऑलरेडी बॉडी में बहुत पेन है, बहुत दर्द रह चुका है, हिस्ट्री रही है बॉडी में बीमारी की, तो बीमारी आपको बढ़ती भी नजर आएगी, क्योंकि उस बीमारी को क्योर करने वाली प्राण शक्ति शरीर को छोड़ करके ऑरा में होल बना करके, होल्स बन जाते हैं, ये देखा गया है स्क्रीनिंग, ऑरा स्क्रीनिंग में ये चीज देखी जाती है कि उनके ऑरा में होल्स हैं, होल बना करके वो शक्तियां बाहर निकलती है। उसके निकलने का कारण ये होता है कि बॉडी में जहां पर भी नेगेटिव, हम जो नेगेटिव चिंतन कर रहे हैं वो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जीज का आह्वान करती है, वो नेगेटिव एनर्जीज का आह्वान करने के कारण जहां पर भी हमारी कमजोरी है वहां पर जाकर के वो बस जाती है, और उसको निकालने के लिए बॉडी अपने अंदर होल्स क्रिएट करती है, बॉडी अपने ऑरा को पंचर करती है ताकि वो सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल सके, क्योंकि अंदर रहेगी तो खराब ही करेगी, और हम बोल भी नहीं रहे, हम उसको रेमेडी भी नहीं कर रहे, उसको ठीक भी नहीं कर रहे, उसकी कोई दवाई भी नहीं ले रहे, तो शरीर खुद हमारा ऑरा के अंदर होल्स बना करके उस नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है ताकि शरीर निरोगी बने, लेकिन यही कारण उसका रोग क्रिएट करने का हो जाता है। तो इसलिए अगर हम देखते हैं हमारे बॉडी में कहीं पर दर्द है, कहीं पर गांठें बन रही है, कहीं पर होल्स हो रहे हैं, जैसे बहुत लोगों के हार्ट में होल होता है, कुछ भी जो भी बातें होती है, तो अगर ये हो रहा है तो ये एक प्रिवेंटिव मेजर है, ये बीमारी नहीं है, ये शरीर इस चीज को जो हमारे अंदर नेगेटिव एनर्जी है उसको बाहर निकालने की प्रक्रिया में है। हर पल अंत तक बॉडी ये इंश्योर करती है कि हमारे पास में एक हेल्दी बॉडी रहे, जिसको हेल्दी कार रहे, जिसको यूज करके हम कर्म कर सके। तो उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बॉडी के अंदर बॉडी ही ऐसे गांठे क्रिएट कर लेती है, या बॉडी ही ऐसा दर्द क्रिएट कर लेती है, स्टैग्नेंसी क्रिएट कर लेती है, आलस से बोलो, अलबेलापन बोलो, ये क्रिएट कर लेती है ताकि हमारी बॉडी सेहत मतलब हेल्दी रहे, और जो कैसे हेल्दी रहे, जो नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी अक्यूमुलेट हो गई है उसको बाहर निकालने की वो कोशिश करती है। लेकिन अगर हम अपना चिंतन चेंज नहीं कर रहे हैं, हम फिर भी परदर्शन पर चिंतन कर रहे हैं, उल्टा ही बुद्धि को घुमा रहे हैं, तो हम एक्यूमुलेट करते रहते हैं नेगेटिव एनर्जी, एक्यूमुलेट करते करते और बॉडी फिर उसको रिलीज करने के लिए पंचर करती जाती है और आपको, तो फिर वो बीमारी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अगर बीमारी है तो समझ लीजिए कि हमारा बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चिंतन चल रहा है। द मोमेंट हम उस नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देंगे, खुश रहने लग जाएंगे, सहज याद में आ जाएंगे, बाबा की याद में आ जाएंगे, और हर पल बाबा को चूज करेंगे और हर पल पॉजिटिविटी को भरेंगे, तो ये बॉडी हील होने लग जाती है और इसके पंचर्स खत्म होने लग जाते हैं, और वो जो बॉडी पार्ट वीक था वो ठीक होने लग जाएगा। ये आपको धीरे धीरे पता चलेगा, सहज याद का पुरुषार्थ अगर रहेगा तो धीरे धीरे क्लियर होने लग जाएगा कि हाँ, हमारी सेहत में भी फर्क आ रहा है, और नेगेटिव चिंतन से सेहत भी डाउन होती जाती है, क्योंकि नेगेटिव चिंतन अट्रैक्ट करता है नेगेटिविटी को, और वो नेगेटिविटी हमारे बॉडी में ही अक्यूमुलेट होती है, और उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी हमारे शरीर में गांठ और ये सब बनाना शुरू करती है, जिसके अंदर वो ये नेगेटिविटी को रखती है, स्टोर करती है, या फिर उसको बाहर करती है, ऑरा में छेद करके बाहर निकालने की कोशिश करती है, एक्सक्रीट करने की कोशिश करती है। तो अगर पर चिंतन पर दर्शन चल रहा है तो आपका जो बॉडी पार्ट वीक है वो और वीक होने लग जाएगा। अब अगर इसको इस तरह से सोचिए, अगर हमारे बॉडी में सपोज मेरा जो लोअर बैक पेन था, मैं उसी की बात करूं, अगर 90% ऑफ द टाइम्स ही मेरे पेन रह रहा है, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मैं जो क्या कर रही हूँ जिसके कारण ये पेन है।
लेकिन अगर 99% ऑफ द टाइम्स बॉडी पेन फ्री है, बॉडी हेल्दी है, तो जब हेल्थ नीचे जा रही है तो हम समझ सकते हैं ना कि यहाँ पर मैंने क्या किया जिसके कारण ऐसा हुआ. तो एनालिसिस का कुछ फायदा भी है. तो अगर बैठ करके मैं चिंतन करूंगी कि अच्छा क्या किया मैंने कल ऐसा कि शायद इसके कारण ये हुआ, तो शायद एनालिसिस का कोई फायदा भी निकलेगा और कुछ मैं धारणा का पॉइंट भी निकालूंगी और कुछ एक कदम भी उठाऊंगी कि मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे इस बात का ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है. लेकिन अगर मेरा 90% ऑफ द टाइम्स मैं दर्द में हूँ तो मैं क्या ही चिंतन करूंगी, किस चीज को बुद्धि में लाऊंगी और किस चीज को बुद्धि से छोड़ूंगी, नहीं समझ में आया. तो इसीलिए हमारा 100% ऑफ द टाइम्स ध्यान इस बात पर रहे कि क्या मुझे शिव बाबा याद है, शिव बाबा याद है या नहीं है, या मैं बाबा को याद करने का सिर्फ प्रयास ही कर रही हूँ, याद नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डिकोड ही कर रही हूँ, एक्चुअल में जी नहीं रही हूँ, लाइफ को लिव नहीं कर रही हूँ और सिर्फ उस लाइफ की मैं उस लाइफ को क्रिएट करने में ही लगी हूँ जो मुझे एक्चुअल में अभी जीनी चाहिए. ये बात समझ में आई कि किस तरीके से मन और बुद्धि और संस्कार काम करते हैं और फिर बॉडी पे क्या इम्पैक्ट आता है. एक बार में बहुत सारी बातें बोल दी सारी, लेकिन आप बोलेंगे अगर कुछ स्पष्ट करने के लिए तो मैं कर दूंगी. सुकृति बहन, जैसे हमारा सिटिंग जॉब रहता है तो हम कहीं पे भी, मेरा भी जैसे लोअर बैक पेन का थोड़ा सा इशू रहता है, तो हम और मुझे मतलब फील भी होता है कि जैसे कोई नई चीज आ जाती है प्रोजेक्ट में या कुछ, तो उस टाइम में जब मेरा सोच चल रही होती है कि ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे हो पाएगा, ये लोग कोई छुट्टी पे है कुछ, मतलब उस तरह के जो नेगेटिव या कोई उस तरह के अल्टरनेटिव्स मैं ढूंढ रहा होता हूँ, तो वो पेन थोड़ा सा बढ़ जाता है. तो वो तो हम वो तो उसको तो हम यही लेके चलते हैं ना कि मतलब जैसे हमारे संकल्प चलते हैं वो बॉडी पे भी असर करते हैं. तो जो हमारा वीकेस्ट पार्ट होता है, जैसे अब हम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्यादा सिटिंग रहता हूँ तो वो पार्ट मेरा मतलब थोड़ा सा वीक हो गया है, तो उसी पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है. सिटिंग, आप मानो ऋषि मुनि कितने घंटे सिटिंग करते थे, सिटिंग से आपका बैकएक का रिलेशन ही नहीं है, आपके स्ट्रेस से आपके बैकएक का रिलेशन. ओके. बॉडी आपको, वही मैं आपको बता रही थी ना, बॉडी हर पल अपने आप को रेगुलेट करती रहती है कि वो आपको कैसे सर्व करे. तो वो हर चीज में अडेप्ट कर जाती है. अगर अडेप्ट नहीं कर पा रही, इसका मतलब उसके अंदर वो पावर नहीं है, वो नेगेटिविटी वहां भरी है, वर्षे बाबा की शक्तियों की जगह माया की शक्तियां वहां भरी है जो वो करने नहीं दे रही है. ना अडेप्ट करना, अकोमोडेट करना बॉडी के लिए बहुत सहज है, इसीलिए वो बनी है. आप देखो जैसे ही गर्मी होती है, जैसे ही गर्मी होती है तो आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते ठंडक आती है, तो ये आपको किसने बताया कि प्यास लग रही है, बॉडी ने बोला ना राइट, तो स्वयं को कूल ऑफ करने के लिए. तो अंदर ही अंदर कितने सारे प्रोसेसेस कर रही है ताकि हमारे को एक ऐसी फैकल्टी मिले जिसको यूज करके हम अपना कर्म कर सके. बॉडी डेडिकेटेड है ओके, लेकिन उसको, उसके पास वो शक्ति नहीं है जिससे कि वो आपकी इस नीड को पूरा कर सके, और उस शक्ति को खा रहा है आपका स्ट्रेस. तो अगर आप सहज याद की प्रैक्टिस करोगे तो आपका बॉडी तो आपकी बॉडी थोड़ी ठीक होने लगी, ठीक है, आपके पेन जाने लगेंगे. तो फिर कभी एक दिन पेन होगा अगर, तो आप शायद एनालाइज कर पाओ कि मुझे क्यों हो रहा है, नहीं तो अभी तो बिल्कुल बता सकते. जब 90% ऑफ द टाइम्स ही आप बीमार हो तो क्या बताएं किस कारण बीमार हो. नहीं, वो तो सही है, वो तो एक तरह से वो सहज याद में रहेंगे तो एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ पेन वो कम होता चला जाएगा, तो एट सम मोमेंट हम रियलाइज या एनालाइज कर पाएंगे. जैसे माया की शक्ति वीकेस्ट बॉडी पॉइंट पे काम करती है, वैसे बाबा की शक्ति भी वीकेस्ट बॉडी पॉइंट पे काम करती है. सबसे पहले वही रिकवरिंग शुरू होती है. ओके ओके, ठीक है ना, क्योंकि बाबा का काम भी है उसको एक्लिमेटाइज करना, बराबर करना, बैलेंस में लाना. जी जी, मतलब हम इस बीमारियों की जिम्मेवार हम खुद है. बिल्कुल, हमारी सोच है, सोच हमारी सोच है. कल भाई ने क्लास करवाई लंदन से, बाला भाई ने पता नहीं कहाँ के रहने वाले हैं, बहुत सुंदर क्लास करवाई है. अभी मैंने मंगवाई अभी उससे, क्योंकि कई आदमियों को डिप्रेशन हो गया है सोच से ही, यहाँ जर्मनी में बहुतों को हो गया है. उनको सहज याद सिखाइए जी, सहज याद सिखाओ, हर पल बाबा को याद करना सिखाओ.
खुशी आ जाएगी। डिप्रेशन कब आता है? जब हम हर पल हार रहे, जो पुरुषार्थ सोच रहे एक्सपेक्टेशन हाई है और कर्म उतना है नहीं। अच्छा, इस कहानी के बाहर मेरा एक प्रश्न है, टाइम है आपके पास? जी बोलिए। मेरा भाई अपने युगल से थोड़ा प्रॉब्लम है, वो ज्ञान में है वो ज्ञान में नहीं है। जी। वो जो कुछ मतलब वो पवित्रता चाहती है, वो पवित्रता तो है ब्रह्मचारी का, लेकिन अगर वो छुरी को हाथ लगाता है तो ये एक छुरी को हाथ नहीं लगाता, अगर उसने रोटी को हाथ लगाया वो रोटी फेंकती है नहीं खाती, ऐसे जैसे फकीर होते हैं ना, ऐसे उसको वो उसको बोलता है मेरे को दो रुपए दो, मेरे को चावल मेरे प्लेट में डाल दो, मेरे को सब्जी डाल दो। कहता है अगर मैं हाथ लगाता हूँ प्लेट में से उठाता हूँ तो वो रोटी फेंकी जाती है, अगर हिंदवाना ले आता हूँ, अगर मैंने काट लिया हिंदवाना आधा फ्रिज में पड़ा हुआ है, वो हिंदवाना गंदा हो जाएगा, तरबूज गंदा हो जाएगा, वो कोई भी नहीं खाएगा, फिर फेंकना पड़ेगा। तो वो बहुत सारी चीजें एक बात मेरी बात सुनो, तो ये सारी बातें जो देखता है कई बार तो बाबा को गालियां भी देता है, गुस्सा भी करता है, ज्ञान ज्ञान देने वाले को भी जो कुछ भी बोलता है उसको दर बदर हो जाए, ऐसे हो जाए बोलता। मैं काफी टाइम से सुनती हूँ, सुनने की बात फिर बोलता है कि मैं वही एक टाइम रोटी खाती हूँ खाता हूँ, रात को भी मैं कुछ खा नहीं सकता हूँ क्योंकि हाथ अगर लगाया अगर दिल हो फ्रिज में पड़ी हुई भी ऐसे मतलब वो नहीं खाती, तो इसलिए बोलती हूँ चीज तो अजाई नहीं हुए ना घर में। और ये बातें जो मैं अगर नहीं सुनती हूँ, बिल्कुल टेलीफोन आती है उठाती नहीं हूँ ना, फिर भी पता नहीं मेरे पास मुंह का ये नहीं है, मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मेरा भाई बहुत बीमार है, मैंने अपनी किडनी भी उसको दी है, उसकी खातर मेरे को तासीर होती है, उसका मुंह मेरे को खींचता है किडनी की खातर कि मेरी किडनी उसके पास है, या उसको बीमारियां भी बहुत हो चुकी है और खान पान उसका बंद हो गया है। बहन ज्ञान में, कौन ज्ञान में? बहन ज्ञान में, भाई ज्ञान में होता तो अच्छा होता, भाई नहीं है। अच्छा अच्छा समझ ठीक है पूजा, समझ ये तो उस बहन की काउंसलिंग करनी पड़ेगी और उस भाई की भी करनी पड़ेगी। वो नहीं मानेगी, वो नहीं मानेगी, वो बोलते मैं खुद जानती हूँ, वो अपने को इतना होशियार समझती है कि उसके सिवा कोई हो नहीं, बोलते मैं नंबर वन हूँ, बाबा खाली मेरा है, वो बिल्कुल 24 घंटे कमरे में बंद है, सेवा और सेवा, सेवा और सेवा, कुछ उसको पता नहीं है घर का, न झाड़ू का न उसका, बस ये काम सेवा है सेवा है सेवा है, म्यूजिक लगाना गीत लगाना। अगर 2-3 बार मैंने समझाया है बहन युक्ति से चल, तेरी तेरे कर्मों के अनुसार किसी दूसरी आत्मा को दुख नहीं पहुंचे, वो भी नहीं मानती, और ये बातें इसकी सुन के मैं परेशान हो जाती, जितनी कोशिश करते हूँ कि नहीं उठाऊं टेलीफोन नहीं सुनूं, फिर फोन करता है तेरे सिवा मेरा कौन है, तेरे को नहीं बताऊं तो मैं अपना दिल कैसे खाली करूं। और कुछ तरीका बहुत सोचा है, बहुत योग किया है, आखिरी मैंने कहा एक बार आपसे पूछूं कुछ आइडिया आपको है तो मैं वो अमल करूं, शायद उसे मेरी कोई सफलता मिल जाए मेरे को। हाँ जी, हाँ अपन बात करते, मैं भी सोच के आपको बताऊंगी, ठीक है बाबा से पूछ के बताऊंगी, ठीक है अच्छा। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारे लाइफ में चाहे वो देखिए जैसे पूजा बहन ने भी बताया, वो जरूरी नहीं है बॉडी ही, बॉडी तो एक रिफ्लेक्शन है ही सही, हमारे रिश्ते भी रिफ्लेक्शन है इस चीज का कि वहां पर नेगेटिविटी भर रही है या वहां से नेगेटिविटी खत्म हो रही है, हमारे रिश्ते भी रिफ्लेक्शन है, हमारा बॉडी भी रिफ्लेक्शन है, ये सब जो हमारे आसपास है वो एक्चुअल में हमें बताने के लिए ही है कि हमारी अंदरूनी स्थिति कितनी ऊंची है कितनी नीची है। तो उनको देख करके हम ऑफ कोर्स अगर बहुत से हर चीज गड़बड़ दिख रही है, हर जगह गड़बड़ दिख रही है, इसका मतलब वही वाला चार्ट याद कर लो कि 50% ऑफ द टाइम हमारी स्थिति अच्छी है, 50% ऑफ द टाइम हमारी स्थिति खराब है। अगर ये समय चल रहा है तो हमें कुछ भी एनालिसिस करना मना, कीचड़ में पत्थर डालना जरूरत ही नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इंस्टेड एनालिसिस करने की जगह पर, इंस्टेड उस स्पाइरल में जाने की जगह, इंस्टेड शिव बाबा को याद करो, स्थिति थोड़ी ऊपर हो, नजरिया थोड़ा ऊपर से हम देखें तो हमें शायद कुछ क्लैरिटी मिले, क्योंकि जहाँ खड़े हैं वहां तो कोई क्लैरिटी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं पहाड़ को तोड़ने में मत लगो, पहाड़ को उड़ करके क्रॉस कर लो, उड़ना मना स्थिति ऊंची कर लेना,
और स्थिति ऊंची करने के लिए बाबा ने हमें बहुत सारी बातें दी है। कुछ भी करो, बुक्स पढ़ो, यज्ञ की बुक्स पढ़ो, अनुभवों की बुक्स पढ़ो, आप बाबा की मुरली पढ़ो, आप बाबा को याद करो, बाबा के 32 गुण याद करो, बाबा के कर्तव्य याद करो, बाबा कहाँ रहता है यही बैठ के याद करो, परम धाम निवासी शिव बाबा है, परम धाम निवासी शिव बाबा है, उसकी संतान मैं हूँ, बाबा आ गया है, स्वर्ग बना रहा है, पुण्य की दुनिया में ले जा रहा है, बहुत सारी बातें हैं मनन करने के लिए। बाबा मुरलियों में खजाने देता है मनन के पॉइंट्स, जिनकी जो वृत्ति है, जिनका जो स्पाइरल है वो क्लॉकवाइज है और हाई पोटेंशियल क्लॉकवाइज है, फटाफट किसी को ऊपर खींच ले, ऐसी वो पॉइंट्स है, ऐसी वो बातें हैं। तो उनको मनन करने से हम निकल जाते हैं हमारे इस 50% और 50% वाली स्थिति से। जब ऊंची स्थिति होगी तब हम देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारे संस्कार कोई रह गए हैं जो दिख रहे हैं, उसको निकालें, या फिर उसमें भी बाबा की याद से उसको खत्म करें, वहां पर भी ज्यादा चिंतन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्थिति ऊंची रखना बहुत जरूरी है। और जब तक स्थिति ऊंची नहीं है हम कोई सेवा नहीं कर सकते। अगर हम लोअर स्थिति में सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा है ही नहीं, क्योंकि हमारी सेवा ही है दूसरों को खुशी देना, हमारी सेवा ही है दूसरों को सुख देना, हमारी सेवा ही है दूसरे को ऊपर उठाना। अब जब हम खुद ऊपर नहीं है, हम खुद नीचे गिरे हुए हैं, तो हम क्या किसी और को ऊपर उठाएंगे? उठा ही नहीं सकते। हम खुद बोझ में जी रहे हैं तो दूसरे को बोझ मुक्त क्या बनाएंगे? नहीं बना सकते। इसलिए बाबा मूल्यों में कहते हैं यहाँ खुशी की बहुत जरूरत है, क्योंकि खुशी अपवर्ड मूवमेंट है, बहुत ऊंचा अपवर्ड मूवमेंट है खुशी। और खुशी से जब हम खुशी में है, जब हमारे पास वो खुशी की खुराक भरी हुई है, हम खुशी में है, तो हम वो खुशी बांट सकते हैं, क्योंकि खुशी बांटना आसान काम नहीं इस ज्ञान में। ऐसे आप दुनिया में वल्गर बातें करके, न्यूसेंस बातें करके, लो टाइप ऑफ जोक्स कर करके, फालतू की व्यर्थ की बातें, इसकी बातें उसकी बातें कर करके भले आप खुशी बांटो, वो एक अलग लेवल की खुशी है, लेकिन रूहानी खुशी बांटना मना खुद को उतनी ऊंची स्थिति में रखना कि हम दूसरे को ऊपर खींच सके। नहीं तो हम दूसरे को ऊपर कैसे खींचेंगे? खींच ही नहीं सकते जब हम खुद ही ऊपर नहीं है, तो हम खुद ही नीचे गिरे हुए हैं तो दूसरे को क्या ऊंचा उठाएंगे? उठा ही नहीं सकते। इसलिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है यहाँ पर सेवा करना। यहाँ सेवा करने मुश्किल इसलिए है क्योंकि बोझ है हमारे सर के ऊपर। तो हम सेवा देखते हैं तो देखते हैं, अरे और कितनी सेवा है, कितनी सेवा है, कितनी सेवा है, कितनों को ज्ञान देना है, कितनों को परिचय देना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसको भी बताएं, उसको भी बताएं, या फिर इस ज्ञान से ये सॉल्व करें, वो सॉल्व करें। हर जगह जहां बोझ दिख रहा है वहां पर सेवा हो नहीं सकती, क्योंकि सेवा अनंत है, अनंत है। सेवा जितना करना चाहो कम पड़ेगी आपको, मतलब ऐसा लगेगा कम किया, हर बार आपको सेवा बढ़ती ही नजर आएगी। और उस सेवा को करने के लिए खुशी को भी निरंतर बढ़ना ही पड़ेगा, तब तो इतनी आत्माओं को संतुष्ट करना, इतनी आत्माओं का दिल रखना, इतनी आत्माओं के सामने झुक पाना, संस्कार मिलाना जैसे कर्तव्य कर सकते हैं, नहीं तो अपने आप को कट करने लग जाएंगे। इससे भी नहीं बात करना, उससे भी नहीं बात करना, ये नहीं करना, वो नहीं, ये सेवा नहीं करनी है, ये सेवा नहीं करनी है। अगर ऐसा हो रहा है, किनारा करने का मन हो रहा है, तो समझ जाना चाहिए खुशी की कमी है। और पुनः याद में लग जाओ, बाबा को याद करो, मुश्किल याद नहीं, सहज याद करो, सहज ज्ञान है ये, याद रखना है बुद्धि में कि ये ज्ञान बूढ़ी बूढ़ी माताओं के लिए भी है, जिनको कुछ नहीं आता है, जो सिर्फ मेरा बाबा करती रहती है, वो भी यहाँ पर आके खुश है। आप बताओ, मैं आपको, मैं गाँव की माताओं से मिलती हूँ बहुत सारे सेंटर्स के द्वारा, इतने अनोखे उनके अनुभव हैं, जिन अनुभवों के लिए हम, मैं तो शायद सोचती रह जाती हूँ कि बाबा आपने मुझे तो कभी ऐसा अनुभव ही नहीं कराया। जैसे अनोखे अनुभव इन बोली बोली माताओं के, जिन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ बाबा को सहजता से याद किया, उनके अनुभव इतने अनोखे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, क्या युक्ति है? कराने वाला शिव बाबा है, करने वाला जितना सहजता से कर लेगा उतना बाबा ज्यादा से ज्यादा करा लेगा। पॉइंट इज दैट, फिर हम बातों को अच्छी स्थिति में, हम बातों को भले एनालाइज करें, हम भले ही कितना भी विस्तार करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्थिति ऊंची होनी चाहिए। स्थिति नीचे है तो एक ही पुरुषार्थ करना है स्थिति को उठाने का, ना कि नीचे क्यों है, क्या मेरे में कमी है, क्या मेरे में कमजोरी है, उससे उलझने से ज्यादा अच्छा है स्थिति को ऊंचे उठाने का पुरुषार्थ में लग जाना। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है क्या? हाँ जी। अच्छा, अगर किसी को क्वेश्चन है
तो हम फिर से लास्ट क्लास तो हुई तो उसके बाद में दो तीन जनों ने इसे अप्लाई किया, इस बार अप्लाई करके देखी क्या ये चीज काम कर रही है या नहीं कर रही। अप्लाई करने से ही उसकी वैल्यू पता चलेगी, तो अप्लाई करके देखी कि मैंने ये जो किया बाबा को इजी वे में याद किया तो क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि हम इसमें और कैसे और क्या ला सकते हैं, कैसे परिवर्तन कर सकते, ठीक है। हाँ जी हिमा दीदी बताइए। काम करता है 100% काम करता है। तो ठीक है, सभी लोग इसका प्रैक्टिस करें और फिर बताएं कैसा अनुभव रहा। यस यस श्योर, ठीक है। तो जो फर्स्ट स्टेप भी था साइलेंस का अनुभव करना, उसको भी हम सहज याद से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है उसको मुश्किल हम करें। जो चीज काम कर रही है, बेसिकली पॉइंट इज कि हमें अपवर्ड जाना है, जो चीज काम कर रही है उस चीज को यूज करके काम करने में लग जाए, इंस्टेड कि हम व्यर्थ का चिंतन करें, व्यर्थ की बातें लाएं। व्यर्थ भी बुद्धि में नहीं आना चाहिए, नेगेटिव तो छोड़ ही दो, व्यर्थ भी नहीं आना चाहिए, व्यर्थ को भी समर्थ में बदलना है बाबा ने कहा, और सर्व समर्थ शिव बाबा है और सर्व समर्थ शिव बाबा की याद है, उसी से व्यर्थ समर्थ में बदल सकता है और कोई तरीका नहीं। और कुछ भी हम चिंतन कर लें, कुछ भी हम कर लें, नहीं बदलेगा जब तक कि हमारा सारा फोकस शिव बाबा पे नहीं है, संपूर्ण एकाग्रता शिव बाबा पर नहीं है, तब तक सर्व व्यर्थ को खत्म करके समर्थ बनना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इतना ज्यादा एकाग्रता शिव बाबा के ऊपर होना जरूरी है। चलिए ठीक है, ठीक है, तो फिर हम एक मिनट से बाबा की याद में बैठते हैं।